हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद आरिफ। आज हम प्राचीन इतिहास का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पाषाण काल युग। आज पढ़ेंगे हम सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। लेकिन इससे शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए हम देखते हैं इस चैप्टर को, सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका ऑब्जेक्ट भी बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा? क्यों? क्योंकि इसके अधिकांश भाग सिंधु नदी के घाटी पर ही मिले हैं, सिंधु नदी के किनारे पर, इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता। इस घाटी का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? अधिक क्योंकि इसका पहला वाला जो नगर खोजा गया था तो उसका नाम क्या था? हड़प्पा था, इसलिए सभ्यता का नाम क्या दे दिया? हड़प्पा सभ्यता। आगे देखो, ये है खोज। अब खोज के बारे में आता, सबसे पहले सभ्यता की खोज किसने की है, किसने सभ्यता के बारे में बताया? तो सबसे पहले किसने बताया था? चार्ल्स मैसन ने बताया था 1826 में। इन्होंने अपनी एक पत्रिका लिखी थी, नैरेटिव ऑफ जर्नीज, इसमें सबसे पहले जानकारी दी थी, लेकिन ये नहीं बताया था कि ये सभ्यता इतनी विस्तृत थी। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में किसने बताया था? चार्ल्स मैसन ने। फिर आगे हम देखेंगे जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, ये दोनों भाई थे भाई, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन मतलब बर्टन बंधु, तो दोनों इंजीनियर थे। तो लाहौर कराची से और लाहौर के बीच ट्रेन के रेलवे ट्रैक बिछ रही थी, कराची से लाहौर, कराची आप समुद्र के किनारे है, ये रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे। तो जब इन्होंने यहाँ आसपास मिट्टी उठाने के लिए खुदाई करी तो काफी संख्या में ईंटों के भंडार मिले, तो इन्होंने वहां से ईंटें निकलवाई और ईंटें रेलवे ट्रैक पर बिछवा दी। हालांकि ये नहीं समझ पाए कि यहाँ पर कोई पुरानी सभ्यता थी, बस ये सोच रहे थे कि यहाँ कोई ना कोई पुराना भवन रहा होगा, और वो सारी की सारी ईंटें इस पर भिजवा दी। फिर आता है भाई अलेक्जेंडर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि भारत के जो पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष थे तो वो अलेक्जेंडर थे, और इनके अंदर में दो भारतीय काम करने थे, वो यहाँ वो भी पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष थे, जयराम सानी और राफल दास बनर्जी। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया, किसकी अध्यक्षता में की गई? तो किसकी अध्यक्षता में भारत में? अलेक्जेंडर कनिंघम। अगर भारत की बात आएगी तो किसकी अध्यक्षता में? अलेक्जेंडर कनिंघम। अब इनके जो दो साथी थे दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज करी, किसकी खोज करी? हड़प्पा नगर की। जबकि हड़प्पा, दयाराम, क्वेश्चन आता है आपका हड़प्पा नगर की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। दूसरा, मोहन जोदड़ो की खोज किसने की? राखल दास ने, मोहन जोदड़ो। दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोहन जोदड़ो जो इस सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना जाता है, सबसे बड़ा नगर है। तो अगर ये भी क्वेश्चन आता है आपका कि सबसे बड़ा नगर कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो सबसे बड़ा नगर कौन सा है भाई? मोहनजोदड़ो। यह मोहनजोदड़ो खोज किसने की? राखल दास बनर्जी ने। यह दयाराम साहनी ने किसकी खोज की? हड़प्पा नगर की। यह हड़प्पा किसने खोज की? दयाराम साहनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। काल, समय, काल का मतलब समय, समय। जॉन मार्शल के अनुसार 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक था, हालांकि ये ज्यादा मान्यता नहीं मिलती है समय को। जबकि डीपी अग्रवाल के अनुसार 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है, यही समय आपको देना पड़ेगा। यदि क्वेश्चन में ये आता है कि जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल क्या है, तब आप बताओगे 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक। यदि ऑप्शन ये आता है डीपी अग्रवाल के अनुसार 2300 से 1750, या ऑप्शन ये आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल क्या है, तो उसका समय काल आपको 2300 ईसा पूर्व से 1750 ही देना पड़ेगा, ये ऑप्शन में होगा तो। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कार्बन 40 अर्थात C14।
C14 के अनुसार जो पुरानी वस्तु है या जीवाश्म है उनकी आयु का पता निकाला जाता, तो इसकी सहायता से डीपी अग्रवाल ने इसकी एज का पता लगाया, उम्र का पता कि कौन सा समय था, कौन से काल की थी, 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। अब आता है इसका उद्भव, कैसे इसका उद्भव हुआ, कहाँ से व्यक्ति आए, कैसे रहते थे। तो देखो मार्शल वीलर और चाइल्ड लीडी कौसाम्बी के अनुसार ये सुमेरियम जाति के लोग थे, हम इस सभ्यता के लोग कौन थे, सुमेरियम जाति, ये सारे जो है विदेशी हैं, ये राइटर कैसे हैं भाई, विदेशी, इसलिए इन्होंने इसे विदेशी बताया। हमारी सभ्यता ये है हड़प्पा की सभ्यता, ये मोहनजोदड़ो की हड़प्पा। अब इससे आगे आप जाओगे तो यहाँ पर मिलेगी आपको मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सॉरी इसकी नहीं, यहाँ पर मिलेगी आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, अर्थात ये मेसोपोटामिया कहाँ, इराक, वर्तमान में इराक। और इसे क्या कहा जाता था, इस सभ्यता को इसे कहा जाता है भाई सुमेरियन, दूसरा मेसोपोटामिया की सभ्यता या सुमेरियन। तो इन लोगों ने यहीं की सभ्यता बताई थी कि ये जो थे मेसोपोटामिया के जो निवासी थे सुमेरियन, वही लोग आकर यहाँ बस रहे थे, इसलिए ये सुमेरियन सभ्यता थी, सुमेरियन जाति के लोग रहते थे। जबकि राकल दास बनर्जी ने इसका मना किया। अब इन्होंने एक तर्क क्या दिया था इसे समझाने के लिए, वार्सल व्हीलर और चाइल्ड गोसाम्बी ने इन्होंने कहा था कि जो भी मुद्राएं जो वस्तुएं या व्यापार के सामान जो यहाँ से मिले हैं सुमेरियन से, तो वही कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं, इसलिए ये सभ्यता कैसी थी, इसको उद्भव कहाँ से हुआ, सुमेरियन से हुआ था। जबकि द्रविड़ जो राकल दास हैं अपने यहाँ पे, राकल दास बनर्जी, इन्होंने कहा नहीं जी ये द्रविड़ जाति के लोग थे, यहाँ ये हैं अपने भारत के, कहाँ के निवासी है, भारत के, वो विदेशी थे और ये देशी, इनके अनुसार कैसे थे, द्रविड़, क्योंकि इन्होंने कहा हड़प्पा के और मेसोपोटामिया के सभ्यता के जो सामान मिला है उसमें भिन्नता पाई जाती है, वो एक जैसे सामान नहीं है, अर्थात जो भी मुद्रा मिली है या अन्य सामान मिला है वो सब अलग अलग मिले हैं। तो यदि ऑप्शन मिल जाता है किसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी द्रविड़ थे, तो किसके अनुसार थे भाई, राखल दास बनर्जी के अनुसार। जबकि टी एस रामचंद्र लक्ष्मण दास कुशालगर आदि ने इन्हें क्या माना, वही आर्य जाति के, क्या माना इन्हें, आर्य, किसके अनुसार, आर्य जाति के, टी एस रामचंद्र लक्ष्मण दास कुशालगर, इनमें से एक ऑप्शन आएगा और तब आप बताएंगे आर्य जाति, आर्य जाति किसके अनुसार, ऐसा रामचंद लक्ष्मण दास कुशालगर, जबकि इसे ज्यादा मान्यता नहीं दी जाती, क्यों, क्योंकि आप आने वाले चैप्टर में अगली वीडियो में देखोगे वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता में आर्य झोपड़ियों में रहते थे, यदि ये आर्य जाति के व्यक्ति थे तो ये ईंटों में रहते थे, पक्के भवनों में रहते थे, तो आने वाले टाइम में ये झोपड़ियों में क्यों रहते हुए, कोई भी है जब जिसे ईंटों के बारे में जानकारी होगी तो वो झोपड़ियों में क्यों रहेगा, ये पक्के भवन बनाता, इसलिए इसे ज्यादा मान्यता नहीं दी जाती। अब आती है इनकी विशेषता, कैसी सभ्यता थी, तो ये सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ से काफी मात्रा में जितने भी मिले सारे के सारे पक्के भवन मिले हैं और एक क्रम में बने हुए मिले हैं, इसलिए इसे शहरी सभ्यता कहा जाता है, नगरीय सभ्यता। तो ऑप्शन आता है सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी है, ग्रामीण है, नगरीय सभ्यता है या अन्य सभ्यता, तो आपको ऑप्शन में नगरीय जो मिलेगा तो आपको नगरीय सभ्यता लगाना होगा, नगर की जगह शहरी सभ्यता भी दे सकता है ऑप्शन में, तो शहरी लगाना पड़ेगा। अब ये सभ्यता कैसी है, आदि इतिहासिक जानते हो, सभी जानते हो, क्योंकि इतिहास के हमारे तीन भाग है, एक तो आता है आपका पसार काल, पाषाण, दूसरा आता है आद ऐतिहासिक और तीसरा आता है ऐतिहासिक। अब इसमें क्या अंतर है, पाषाण काल का वो है जिसका कोई लिखित विवरण नहीं मिला है, जब लिखित विवरण नहीं मिलेगा तो पढ़ने की तो बात ही खत्म हो गई। दूसरा क्या हो गया भाई, आद ऐतिहासिक वो होता है जिसमें लिखित विवरण है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, लिखित पर पढ़ा नहीं गया है, उसे क्या कहते हैं,
आदि इतिहासिक। अब इस सभ्यता में हमें लिखा हुआ तो मिला है लेकिन वो अभी तक पढ़ा नहीं गया, उसे पढ़ने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही वो पढ़ लिया जाएगा और तो तब ये सभ्यता आदि इतिहासिक नहीं रहेगी बल्कि क्या हो जाएगी, ऐतिहासिक रह हो जाएगी। तो ऑप्शन आता है कि कैसी सभ्यता है, आदि इतिहासिक, ऐतिहासिक या पसाड़ होगी, तो ये तामार होगी, तो कैसे ये थी आदि इतिहासिक। ये समझ में आ गया होगा आपके। ऐतिहासिक में क्या होता है, जो लिखित विवरण मिला हमें तो उसे हम पढ़ चुके हैं, जैसे वैदिक काल, तो वो क्या होगा ऐतिहासिक। अब आता है आपका कांस्य युगीन। आपने पाषाण काल में, पहले पाषाण काल वाली वीडियो में देखा होगा, यदि वीडियो नहीं देखी हो तो देख लेना, उससे वहां से काफी मात्रा आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे ताकि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण वीडियो है वो। तो उसमें हमने पढ़ाया था कि सबसे पहले मानव ने कौन सी धातु का प्रयोग किया था, तांबा। अब इसमें क्या हो जाता है भाई, कांसा कांस्य युगीन, तो तांबा एक तामा और इसमें क्या मिला था टिन, तो तामा और टिन को मिलकर क्या बन जाता है, कांस्य बन जाता है जी, कांसा। तो ये कैसी सभ्यता हो गई, कांस्य होगी, तामा और टिन से। ये वैसे भी आपका इम्पोर्टेंट है, आपका ऑप्शन इस तरीके से आ सकता है कि कांस्य किस किस धातु से मिलकर मिलता है, तो तामा और टिन से, या तामा और टिन से मिलकर क्या बनता है, कांस्य। अब ये धातु, ये कैसी सभ्यता थी भाई, कांस्य होगी सभ्यता। अब इसके बाद में आता है शांति प्रिय सभ्यता। देखो इसके जो भी हमें जानकारी मिली है, तो अभी मैंने बताया कि जो भी लिखित विवरण मिले हैं कि वो पढ़ा नहीं गया, तो हम उस पर नहीं चल रहे बल्कि अनुमानित रूप से इस सभ्यता के बारे में बताया था कि ये सभ्यता कैसी होगी, सिर्फ अनुमान लगाया गया है क्योंकि पढ़ा गया ही नहीं है साक्ष्य, अनुमान के अनुसार ही हम बता रहे हैं, अनुमान के अनुसार ही लोग वैज्ञानिकों ने, इतिहासकारों ने इसके बारे में बताया। तो देखो शांति प्रिय, तो शांति प्रिय के बारे में कैसे समझा, क्योंकि वहां से कोई भी इस प्रकार के हथियार नहीं मिले जिससे उनका प्रमाण मिलता कि ये व्यक्ति लड़ाकू प्रजाति के थे, इसलिए कैसी सभ्यता थी ये, शांति। अब आता है सामाजिक, समाज के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं मिलती बस, लेकिन ये समाज दो भागों में बटा हुआ था, इससे कैसा अनुमान लगाया गया, प्रत्येक शहर में दो हिस्सों में शहर बटा हुआ मिला, एक मिला ऊपरी हिस्सा, दूसरा मिला निचली हिस्सा, निचली मतलब नीचे और ऊपर। तो जो ऊपर रहते थे तो उनके भवन कैसे थे, भवन, इनके भवन जो थे बड़े थे, भवन बड़े, जबकि इनके भवन जो थे, इनके भवन, तो नीचे वालों के, इनके भवन कैसे थे, छोटे। अर्थात जिससे अनुमान लगाया, जो ऊपर जो रहते थे तो वो उच्च कुल के थे, अमीर लोग थे, जबकि ये नीचे वाले जो थे ये गरीब लोग थे, ये उनका काम करते थे। तो समाज के भागों में बटा हुआ था दो भागों में, कैसा अनुमान लगाया, शहर के अनुसार। इसके बाद आता है आपका व्यापार सीमित, अगर व्यापार की बात करेंगे, व्यापार कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता का, आंतरिक बाहरी, या आंतरिक और बाहरी दोनों, या इनमें से नहीं, तो आंतरिक और बाहरी दोनों व्यापार था। कैसा अनुपात लगाया भाई, अभी मैंने बताया था, एक तो ये हो गई अपनी सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इससे आगे चलेंगे तो यहाँ पर मिल गई थी मेसोपोटामिया की सभ्यता या सुमेरियन की सभ्यता, सुमेरियन या मेसोपोटामिया, ईरान, इससे आगे चलोगे आप अफ्रीका में, तो अफ्रीका में मिस्र की सभ्यता, अफ्रीका में चलोगे आप तो क्या मिलेगी भाई, मिस्र की सभ्यता, अर्थात नील नदी की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता भी कह सकते हैं। तो यहाँ की मोहरे यहाँ भी कुछ मिली है, तो इससे अनुमान लगाया गया और यहाँ भी मिली है कि इनका आंतरिक व्यापार भी था और साथ साथ बाहरी व्यापार भी था, इनसे भी व्यापार होता था और इससे भी होता था। तो कैसी सभ्यता थी, कैसा मतलब व्यापारिक सभ्यता थी या नहीं थी, या कैसा व्यापार था, तो व्यापार आंतरिक भी था और बाहरी भी था। इसके अलावा हम आइए मैप के सहायता से इसे समझते हैं, तो मैप से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका यूपी है, और यूपी में जो है एक स्थान है आलमगीरपुर यूपी में, और ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ भाई, हिंडन नदी, और एक स्थान यहाँ पर महाराष्ट्र में है दाइमाबाद, कहां पर है ये, महाराष्ट्र में, एमआर महाराष्ट्र,
और ये कौन सी नदी पर है? ये जो मिला दाईमा, ये गोदावरी नदी पर है। ये कहाँ पे है भाई? गोदावरी नदी पर, गोदावरी नदी। एक स्थान मिला है आपका जम्मू कश्मीर में, इसका क्या नाम है? जम्मू कश्मीर वाले का मतलब जो लास्ट वाले है वो दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ हमारा ये है इधर जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में क्या मिला हुआ? बांदा। और बांदा का कौन सी नदी के किनारे पे है? चिनाब, चिनाब नदी में। कहाँ पर है ये? जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा यहाँ आएंगे तो पाकिस्तान में जाएंगे हम। पाकिस्तान में स्थान है एक